अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सारा मॉम्स किचन। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो चने की दाल है। चने की दाल को मैंने चिकन में बनाया, वो किस तरीके से बनाया और वो बहुत जल्दी मैक्सिमम 15 मिनट में वो तैयार हो जाती है। वीडियो मेरी पूरी एंड तक देखिएगा, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप सबको पहले पहुंच सके। रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ कप ऑयल डालेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, लाइट ब्राउन करेंगे इनको, प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक डालेंगे, 1 भरा टमाटर डालेंगे, 1 साबुत मसाला डालेंगे जिसमें तेज पत्ता है, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्ची साबुत और लौंग है। वन टी स्पून जो इसमें सुरख मिर्च आएगी, नमक आप टेस्ट के मुताबिक डालें, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 3 भून के फाइन मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार हो गया, अब इसमें मेरे पास 300 ग्राम जो है बोनलेस चिकन है जिसको तकरीबन दरमियानी क्यूब्स में मैंने इसको कट कर लिया है, बहुत बड़े ना हो इससे से क्यूब्स हों, उसको अच्छी तरह से भून लें। चिकन का कलर चेंज हो गया अच्छी तरह, इसको मैंने 5 मिनट के लिए भून लिया है। इसमें अब दाल डालेंगे। दाल जो है मैंने, दाल को मैंने जो है ये इस तरह गली होनी चाहिए, बॉईल किए मैंने साबुत दाने हैं इसके, बहुत घुलनी नहीं चाहिए। इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। तकरीबन 1.5 कप के बराबर चिकन है और 2 कप मैंने दाल को भिगो दिया था 2 घंटे के लिए, और फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के। अब ये ऐड करेंगे, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये। अब इसके अंदर जो है तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी ऐड करूंगी और इसको 10-12 मिनट के लिए जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकने के लिए रख देंगे। दस मिनट हो गए हैं, अब इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून गरम मसाला डालेंगे, 1/2 सबज मिर्ची डालेंगे, कटा हुआ अदरक, धनिया और 1 टेबल स्पून जो है ना कसूरी मेथी डालेंगे। दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब इसको डिश आउट करते हैं। दाल हमारी जो है वो रेडी हो गई है। आप इसको सहरी में अगर आपका दाल आपने बॉईल करके रखी हुई है ना, फ्रीज की हुई है या फ्रिज में आपने रात को बॉईल करके रख लिया है, तो बस जैसे तो 15 मिनट लगते हैं इस डिश को तैयार करने में। 15 मिनट में ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाती है, बिल्कुल तवा दाल फ्राई के जैसे इसका फ्लेवर आता है और चिकन में बहुत मज़े की ये बनती है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।